देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर राजगढ़ जिले नरसिंहगढ़ से आ रही है, जहां पर महंगाई के विरोध में बंद को लेकर सड़कों पर है हाथ जोड़कर किया निवेदन आज बंद सफल बनाने के लिए। देखिए पूरी खबर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कांग्रेस के द्वारा नगर बंद कम किया जा रहा है। आह्वान, देश भर में बढ़ रही पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दामों को लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज नगर बंद है और आज बुलवाए नगर बंद को सफर बनाने के लिए पुरजोर कवायद में जुटी है। आपको बता दें, कांग्रेस एक दिन पहले शुक्रवार शाम को भी बंद के लिए रैली निकालकर व्यापारियों से दुकान दुकान जाकर हाथ जोड़कर अपील की। कांग्रेस पूरी कवायद में जुटी है, किसी भी तरह से बंद सफल हो जाए और केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश दिया जाए और कांग्रेस की एकजुटता दिखाई दे। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमत पर बंद करवाया और कांग्रेस अपने इस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में सफल हो गए। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में डीजल, गैस और पेट्रोल कीमतों में जो भारी वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उन सब मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया था। उसी के तहत आज नरसिंहगढ़ शहर में भी बंद का आह्वान किया। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, पूरे क्षेत्र के नागरिकों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस बंद में सहयोग किया और अपनी दुकानें बंद कर और इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।